जनपद आगरा के डॉकी क्षेत्र पर बनी गौशाला में 2 दिन से घायल पड़ी गाय ने तोड़ा दम। आपको बता दें, कल रात से घायल थी गाय, नहीं कराया गया उपचार तथा गाय ने तोड़ा दम। ग्राम प्रधान एवं सचिव को सूचित करने के बाद भी गौशाला में मृत अवस्था में पड़ी रही गाय। गौशाला में सूखा चारा खाने को मजबूर है गाय। कई महीनों से गौशाला में नहीं आया भूसा व रताव। गौशाला में जिम्मेदारी की अनदेखी के कारण गायों की हो रही है दुर्दशा। जिम्मेदारी ही योगी सरकार के आदेशों को लगा रहे हैं पलीता। ग्राम पंचायत डॉकी की गौशाला का मामला। मेरा नाम हरेंद्र कुमार है सर। ये ग्राम पंचायत डॉकी में जो गौशाला है उसमें गौ सेवक हैं आप? जी सर, मैं गौ सेवक हूँ सर। ये गौशाला में जो मृत गाय पड़ी हुई है, कब कब खत्म हुई थी गाय? सर ये गाय, झगड़ा हुआ था इन गायों में सर। कब हुआ था ये झगड़ा? हुआ था 18 तारीख को सर। जी 18 तारीख को झगड़ा हुआ और जो है 18 तारीख के बाद में ये गाय घायल कर दी दूसरी गाय ने, तो इसका उपचार भी हुआ, डॉक्टर साहब बोला। ये गाय खत्म कब हुई? ये रात को खत्म हुई सर। तो आप यहाँ की जो गौशाला है उसकी देख रेख कौन किसके उसमें में? ये तो सेक्रेटरी और प्रधान है सर। सेक्रेटरी साहब का क्या नाम है? मनोज कुमार है सर। मनोज कुमार, आपने उनको अवगत नहीं कराया गया सर? मैं उनके पास सुबह से कॉल कर रहा हूँ, स्विच ऑफ जा रहा है। अच्छा सर, ये गाय के लिए चारा देखा है हमने, तो भूसा की कोई व्यवस्था नहीं है और सूखी कुटी खा रही है गाय, और जो जैसा कि हमने वीडियो बनाई है, तो आपने सेक्रेटरी साहब से नहीं बोला कि उसके लिए दलिया और पीना की जो व्यवस्था होती है वो करें? उन्होंने बोला है कि हमको एक गाय का 30 रुपये दे रही है गवर्नमेंट जी, और हमें इतना खर्चा कहाँ से लगा, इसलिए सूखी कुट्टी खिला रहे हैं। कब से खा रही है, खिला रहे हैं आप सूखी कुट्टी? सूखी कुट्टी खिला रहे हैं सर, करीब हो गए 2 महीने हो गए। 2 महीने से? जी मतलब 2 महीने से रात अब मिला ही नहीं है गाय को। जी सर। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।